हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। आप सेफ हो, हेल्दी हो, पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, एंड कल के लिए जो आपका एग्जाम है, जो आपके फाउंडेशन के एग्जाम्स चालू हो रहे हैं, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जहाँ पे पूरी चेकलिस्ट दे रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीजें आपने ध्यान से लेके जानी है एग्जाम सेंटर में जब भी आपके एग्जाम्स है। अब ध्यान देना बेटा, आपका एडमिट कार्ड जो है, आपने आपका एडमिट कार्ड कैरी करना है, उसका प्रिंटआउट कैरी करना है। पहले दो पेजेस जो है एडमिट कार्ड के, ये बहुत जरूरी है। पहले पेज पे आपकी डिटेल्स है, सेंटर के डिटेल्स एक्सेट्रा, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं नीचे। सेकंड पेज पे आपको कुछ ब्लॉक्स क्रिएट करके दिए हुए हैं जहां पे आपको साइन लेनी है, जहां पे आपने साइन लेनी है। मैं आपको पेज दिखा देता हूं यहां पे किस तरीके से वो दिख रहा है। ये देखो, इस तरीके से कुछ पेज नंबर वन पे कुछ बेसिक डिटेल्स दे दी गई है, और सेकंड पेज पे यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे नेम ऑफ द इन्विजिलेटर और सिग्नेचर, यानी कि जो भी इन्विजिलेटर वहां पे उस समय एग्जाम सेंटर पे आपके है, जो आपको इन्विजिलेट कर रहा है, जो आपको देख रहा है, जिसके प्रेजेंस में आप पेपर को लिख रहे हो, तो उनकी यहाँ पे साइन होने वाली है। काफी बच्चे एडमिट कार्ड के जो पेजेस होते हैं, पहले दो पेजेस लेके जाते हैं, बट इन दोनों पेजेस को लेमिनेट करवाते हैं। तो पहला पेज भले लेमिनेट करवा लो, सेकंड पेज को मत करवाना लेमिनेट, बिकॉज यहाँ पे नाम और साइन लिखना पड़ता है, वो सब चीजें होने वाली है। तो इस चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ साथ में कैरी करना है इन ओरिजिनल, बीट आधार कार्ड और पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी चीज चल जाती है। अगर आप माइनर हो, बेटा, तो एज पर द रीसेंट गाइडलाइंस, एज पर द रीसेंट इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि ये कोविड चल रहा है, पूरा पेंडेमिक है, तो माइनर्स के लिए खास करके एक अंडरटेकिंग लेटर दिया हुआ है आईसीएआई ने। ये अंडरटेकिंग लेटर मैं आपको यहां दिखा दूं, ये अंडरटेकिंग लेटर जो है इन केस ऑफ माइनर ओनली आपने प्रिंट करवाना है। यहां पे आपके डिटेल्स फिल इन करना है रोल नंबर एक्सेट्रा के साथ, और अगर आप इसको ध्यान से देख सकते हो, यहां पे आपके पेरेंट का या आपके गार्डियन का, अगर आप कोई दूसरे सिटी में रह रहे हो बिना आपके पेरेंट्स, जहां पे साथ नहीं है आपके, आपके पेरेंट्स और कोई सिटी में है, तो आपके साथ वहां पे जो भी गार्डियन है आपके, कोई रिलेटिव्स, दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी होंगे, उनकी साइन, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर। सो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपके इन गार्डियन या पेरेंट्स के पास पहुंच सकते हैं इंस्टीट्यूट वाले इमीडिएटली। आपने इस पर्टिकुलर पेपर पे, इस अंडरटेकिंग पे आपका साइन नहीं करना है, आपका साइन इन्विजिलेटर के पास ही, उसके प्रेजेंस में ही आपको करना है। तो जब आपके इन्विजिलेटर प्रेजेंट हो गए, उनके प्रेजेंस में ही आपने साइन करना है। तो ये था अंडरटेकिंग के बारे में। सर, कहाँ मिलेगा ये लेटर? आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे ये लेटर बोलो, या फिर यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं इंस्टीट्यूट ने, जैसे कि मास्क ले जाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड तो आपके लॉगिन पे ही होगा। ये जो चीजें हैं यहाँ पे, गाइडलाइंस बोलो या ये चीज बोलो, ये भी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे है, बट आपको इजीली मिल जाए। अभी एंड मोमेंट तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, आपको इजीली मिल जाए, तो मैंने मेरी टेलीग्राम के चैनल पे भी इसको डाल के रखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो, सीए करण सर टेलीग्राम चैनल पे आपको ये चीजें मिल जाएगी। राइट, एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो टेल यू, मैं यहां पर आपको चीजें बता रहा हूं, जो भी मैं चीजें इस वीडियो में एज अ चेकलिस्ट बता रहा हूं, ये सभी चीजें यहां पर एडमिट कार्ड, जो आपका 9 पेज का एडमिट कार्ड है, उसमें पेज नंबर 2.5 से लेकर पेज नंबर 7, 8, 9 तक जो भी चीजें दी हुई है, वहां से ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बट वही चीजें यहां पर एडमिट कार्ड आपको दी गई है। तो आपको एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेक श्योर एटलीस्ट एक बार ये डूज डू नॉट्स आप गो थ्रू कर सकते हो। यहां पे हर टाइप की चीज दी हुई है कि अगर आप कॉपी करते हो तो आपका रिजल्ट विथहेल्ड किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गाइस, ये था थोड़ा सा इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। एट द सेम टाइम मैं चाहता हूं कि एक बार एग्जाम में जाने से पहले, बिकॉज आप फाउंडेशन एग्जाम पहली बार दे रहे हो, आप प्रोफेशनल एग्जाम पहली बार दे रहे हो, तो आपने एक स्पेसिमेन सैंपल आंसर शीट, जो कि पेपर 1 पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है, तो आंसर शीट कैसे दिखती है, क्या डिटेल्स होते हैं, ये हो गया। पेपर 3 पेपर 4 के लिए ओएमआर शीट, गोले लगाने वाली शीट जो होती है, वो शीट भी, और एट द सेम टाइम जो अटेंडेंस शीट आपको इनविजिलेटर वहां देने वाले हैं, जिस पे आपने साइन करना है उनके प्रेजेंस में, ये भी कैसी दिखती है, ये सभी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, लिंक मैं डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एक बार चेक कर लेना। एक बार देखा हुआ कभी भी बेटर है, वहां पे कोई दिक्कत ना जाए। इन केस लग रहा है कि वहां पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है, मेक श्योर आप कुछ भी गलत चीज ना करें, अपने हिसाब से कुछ भी ना करें, इन्विजिलेटर वहां पे होगा, उनको आपने पूछना है, और आपने क्लैरिटी के साथ ही वो चीज करनी है। ईच एंड एवरी इन्विजिलेटर इन ईच एंड एवरी सेंटर विल 100% कोऑर्डिनेट विथ यू, कोऑपरेट विथ यू। अगर वो नहीं कोऑपरेट कर रहे तो वहीं पे दूसरे लोग रहते हैं, कुछ आईसीआई की तरफ से आए हुए लोग रहते हैं, आप उनसे कभी भी वहां पे बात कर सकते हो।
विजिट द एग्जाम सेंटर वन डे बिफोर. अगर आपने नहीं किया है तो आप आपके कोई फैमिली मेंबर को रिक्वेस्ट कर सकते हो मच बिफोर द टाइम, यानी कि कल सुबह सुबह या फिर आज शाम तक में आप जाके विजिट करके आ सकते हो, जस्ट टू चेक कि यार एग्जाम सेंटर वगैरह का रास्ता ठीक है, कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, एंड मोमेंट पे प्रॉब्लम ना आए. बट एट द सेम टाइम आप एग्जामिनेशन अगर 2 बजे का है, 1:45 आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में दिया जाएगा, रीडिंग टाइम आपको हाथ में दिया जाएगा, उसके कम से कम 1 घंटा पहले आप पहुंचने की कोशिश करो. काफी जगहों पे ड्यू टू सम हैवी रेनफॉल, ड्यू टू सम वेदर कंडीशंस, फ्लड लाइक सिचुएशंस, मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा, आपको यही रिकमेंडेशन रहेगा कि ज्यादा जल्दी पहुंचने की कोशिश करो. एंड मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. सो ट्राई टू रीच बाय 12:30, 12:45, 1 o'clock, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट. जितना जल्दी पहुंचो उतना अच्छा. बुक कैरी कर लो, वहां बैठ के रिवाइज कर लेना, कहीं शेल्टर ढूंढ के वहां बैठ जाना, रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है. सर मैं बैग कैरी करूं क्या, मोबाइल फोन कैरी करूं क्या? आप बैग मोबाइल फोन बिल्कुल कैरी कर सकते हो, बट सब कुछ आपके जिम्मेदारी पे आपको सेंटर में ही रखना है, या तो आपके क्लासरूम के अंदर या तो आपके क्लासरूम के बाहर, उसी प्रीमाइसिस में, जहां पे भी सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है कि वो लोग किस तरीके से आपको रखने बोलते हैं, बट यू कैन कीप इट ओवर देयर, राइट. अगर आप महंगा वाला फोन वगैरह कैरी कर रहे हो तो आप बेटर, अगर आपके पेरेंट्स आपको ड्रॉप करने आ रहे हैं तो आप उन्हें हैंड ओवर कर देना, राइट. और इफ यू आर विजिटिंग अलोन देन कैरी अ स्मॉल शॉर्ट स्मार्टफोन और या नॉर्मल फोन, और आप कॉलिंग पर्पस के लिए उसको रख सकते हो. स्टेशनरी की बात करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर हो तो भी कैलकुलेटर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैलकुलेटर साइंटिफिक नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटर डिजिटल होना चाहिए. कैरी 2 कैलकुलेटर्स एटलीस्ट. मैंने मेरे सभी स्टूडेंट्स को डे 1 ऑफ देयर क्लासेस से बोला हुआ है कि 2 कैलकुलेटर्स कैरी करना, एक जो तुम्हारा दोस्त है और एक को स्पेयर में बना के रख दो. हो सकता है वहां अनफॉर्चुनेटली कैलकुलेटर बंद पड़ जाए, टूट जाए, तो क्या करोगे? तो बैग से जाना है, दूसरा कैलकुलेटर निकालना है विद परमिशन ऑफ द इन्विजिलेटर. बॉल पॉइंट पेन, एक्स्ट्रा स्टेशनरी कैरी करो, एक्स्ट्रा पेन, एक्स्ट्रा स्टेपलर, एक्स्ट्रा राइटिंग पैड, जो एक्स्ट्रा होगा चलेगा, आप बैग में रख सकते हो, बट कम मत कैरी करना, उस मोमेंट पे प्रेशर आ जाएगा, आप हैंडल नहीं कर पाओगे, कहां से करूं क्या करूं, राइट. सो बॉल पॉइंट पेन हो गया, ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन, स्टेपलर हो गया टू टाई दी पेपर्स. आपको वहां पे थ्रेड तो दिया जाएगा बट स्टेपल भी कर लो. इवन इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रक्शंस जो एडमिट कार्ड में दिए हुए हैं अगर आप देखोगे, वो भी कहते हैं कि आप थ्रेड करने के साथ साथ डू दी स्टेपलिंग ऑल्सो. राइटिंग पैड हो सकता है जो क्लासरूम आपको मिल रहा है, जो सेंटर है, वहां पे जो बेंच है, डेस्क है, ये प्रॉपर ना हो. कैरी योर ओन राइटिंग पैड एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट डे. अगर लग रहा है सब ठीक ठाक है तो सेकंड डे से भले मत कैरी करना. रिस्ट वॉच लेना है आपको कंपलसरी. मैंने बताया है क्लासरूम सेशंस के टाइम पर कि आपने कंपलसरी ट्रैक रखना है कि यार कितने टाइम में कितनी चीज लिख रहा हूं, मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, उसके लिए रिस्ट वॉच जरूरी है. आपने सिंपल रिस्ट वॉच कैरी करना है, जितना सिंपल होगा उतना ही अच्छा है. कोई भी तरीके का साइंटिफिक या डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है. इन रीजंस की वजह से भी आपका रिजल्ट विथहेल्ड किया जा सकता है, या आपको यू कैन से आपको इसके लिए पेनल्टी भरनी पड़ सकती है. आपका रिजल्ट विथहेल्ड होगा, आप आगे बैन किए जाओगे, तो प्लीज बी केयरफुल. एट द सेम टाइम कोविड की वजह से, जो कोविड के गाइडलाइंस है, जैसे मैंने आपको पीडीएफ फाइल बताई है, यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड में भी ये है, मास्क कंपलसरी है, मास्क कंपलसरी है. इनफैक्ट मैंने मेरे हर स्टूडेंट को सजेस्ट किया हुआ है कि आपने मास्क पहनकर ही प्रैक्टिस करना है. अभी आजकल में भी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो एग्जाम के पहले, मास्क पहन के करो. गाइस इट बिकम्स डिफिकल्ट समटाइम्स कि मास्क रहते हुए आप कैसे चीजों को लिखने वाले हो, इट बिकम्स डिफिकल्ट, बहुत फर्क पड़ता है. तो उसको ट्राई कर लो. एक पर्सनल छोटी सी हैंड सैनिटाइजर की बॉटल कंपलसरी कैरी करना है और यूज भी करना है. ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अपना अपना कैरी करना है. इफ आपको चाहिए तो ऑप्शनल है फेस शील्ड, जो वो बड़ा वाला फेस शील्ड आता है, और ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, आप ये भी कैरी कर सकते हो. यस गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चेकलिस्ट, ऑल अबाउट द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ एंड कंसिडर एंड टेक इट अलॉन्ग विथ यू बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल. आई होप आपको ये सब चीजें समझी है, राइट. गाइज पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी. आप जो ऑलरेडी इतनी मेहनत डाले हो इतने दिनों में, उसके बेसिस पे रिजल्ट आने वाला है. आपने अभी सिर्फ चीजों को रिवाइज करना है, अच्छे से करके जाना है. टेंशन मत लो यार, जो होना होगा वो होगा. फोकस ऑन दी प्रोसेस, डोंट एक्सपेक्ट दी रिजल्ट. आप रिजल्ट पे ध्यान मत दो, आप इस पे फोकस करो कि मैं अच्छे से अच्छा टाइम का यूटिलाइजेशन करूं और करके जाऊं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन सभी के अलावा, अच्छे से सोकर जाना है. अच्छे से मतलब 10-15 घंटे नहीं सोना है, अच्छे से मतलब आपने 4 to 5 hours की मिनिमम, 4, 5, 6 hours की मिनिमम स्लीप लेनी है. स्लीप को सेक्रीफाइस करके पढ़ाई करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में नींद आएगी, फिर आपको जितना भी पढ़ा है वो लिख ही नहीं पाओगे, तो मतलब नहीं है. तो अच्छे से सो के खा पी के अच्छे से जाना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन गाइज. आई एम प्रेइंग फॉर यू, आई होप ईच एंड एवरी स्टूडेंट सीइंग दिस वीडियो पासेस इन द एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच गाइज. आपको जो भी डिटेल्स मैंने बताई हुई है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया हुआ है, सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. आप चेकआउट कर सकते हो मेरी टेलीग्राम चैनल पर, वाओ क्लास की टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगे. सो गो थ्रू इट वंस, एंड इफ इन केस
यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट यार क्या करना है कैसे करना है, फिर से एक बार रिवाइंड कर लो वीडियो को और एक बार देख लो, मैंने हर चीज बताई हुई है, राइट? डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, डू एक्सीडिंगली वेल, एंड आई एम श्योर यू विल कीप कम एंड अटेम्प्ट द पेपर. टेक केयर, बाय बाय.